आरडीपी क्या है और कैसे हम एक आरडीपी के जरिए अपने चैनल का वॉच टाइम पूरा कर सकते हैं। आज मैं आपको फ्री में एक आरडीपी क्रिएट करना सिखाऊंगी। तो बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कबीर गुजराती में आपको खुश आमदी कहते हैं। आरडीपी बनाने के लिए सबसे पहले हम गूगल में जाके सर्च करेंगे हाइपरबीम, और यहाँ पर सबसे पहली वेबसाइट जो है इसके साथ आप लोगों ने क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। तो ये वाला पेज हमारे सामने आया है। तो इसमें आप लोगों ने सबसे पहले मंथ, कोई सा भी मंथ, अपने डेट ऑफ बर्थ का या जो भी आप मंथ रखना चाहते हैं जो आपको याद हो, और मंथ के बाद आप लोगों ने ईयर सेलेक्ट करना है। ईयर सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर डे जो है वो रखना है, और इसके बाद आप लोगों ने क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। और ये नया पेज हमारे सामने है, यहाँ पर आप लोगों ने जी मेल कोई सी भी यहाँ पर लगाएं और पासवर्ड लगा के इसको सेव कर लें। पासवर्ड लगाने के बाद हमने इसको कनेक्ट किया, तो ये वाला पेज हमारे सामने है। यहाँ पर हमने क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करने से पहले हमने रिपोर्ट ये वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक किया और क्रिएट के ऊपर क्लिक किया, तो ये वाला पेज हमारे सामने है। यहाँ पर आप लोगों ने दो ऑप्शन जो लोग हमसे पूछ रहे हैं, ये वाला जो कैप्चा है इसको आप लोगों ने फिल करना है और फिर इसको आप लोगों ने वेरीफाई करना है। तो ये वाला पेज हमारे सामने आया, और इस पेज में आप लोगों यहाँ नीचे सेंड रिकवरी कोड इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। तो आप लोगों का जो यानी इस वेबसाइट का कोड जो है वो आपके मेल के ऊपर जाएगा। ये अभी ऊपर आ गया, तो अभी मैं आप लोगों को जी मेल के अंदर लेके चलती हूँ कि यहाँ पर हमारा जो कोड आया हुआ है यहाँ से हम क्लिक करेंगे। अभी ये लोग कह रहे हैं कि 20 मिनट के बाद आपका कोड जो है एक्सपायर हो जाएगा। कोड लगाने के बाद ये वाला पेज हमारे सामने आया, इस पेज में हम लोगों ने ऐड रूम के ऊपर क्लिक किया। ये वाला पेज हमारे सामने आया, इस पेज में हम लोगों ने अपने आरडीपी का जो नाम है ये इसके अंदर जो गोल सा दायरा बना इसके अंदर रखना है, यानी आरडीपी का नाम आप लोगों ने क्रिएट करना है। अपनी मर्जी का कोई सा भी आप नाम रख लें। नाम रखने के बाद गेट स्टार्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। हमने गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक किया तो ये वाला पेज हमारे सामने है, यानी कि हमारी आरटीपी जो है वो बनके तैयार हो चुकी है। अभी मैं आपको इस आरटीपी में यूट्यूब का जो फंक्शन है वो दिखाती हूँ जूम करके। ये देखिए आपको सेंटर में नजर आ रहा होगा, तीन चार और ऑप्शन भी हैं। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर हमारी आरटीपी जो है वो ऑनलाइन भी हो चुकी है, बाकी के फंक्शन भी आप इसकी साइट पर देख सकते हैं। अब आरटीपी तो हमारी बन चुकी है, अब हमने इसका आईपी चेक करना है कि किस जगह का आईपी जो है ये चल रहा है, यानी कि ये आरडीपी किस जगह की बनी है। यानी कि इसका आईपी एड्रेस चेक करने के लिए हम ये वाली जो वेबसाइट है इसके स्पेलिंग आप नोट कर लें, WHOERNET। ये वाली आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो सबसे पहली वेबसाइट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। अभी मैं आपको लोकेशन में किस जगह का आईपी इस सॉफ्टवेयर के ऊपर नज़र आ रहा है वो आपको जूम करके दिखाती हूँ। हमारी आरडीपी जो हमने क्रिएट की है उसके ऊपर ये वाला जो है आईपी नज़र आ रहा है, इसके स्पेलिंग मैं आपको बता देती हूँ, FINLAND। ये पता नहीं कोई फाइनलैंड इसी तरह का मुझे लग रहा है, इस तरह की कोई कंट्री है। ये आरडीपी मैंने चूँकि पाकिस्तान में बैठ के क्रिएट की है तो ये फाइन लैंड जो है यहाँ की आईपी जो है ना यहाँ पर चल रहा है। अब हम इसकी स्पीड चेक करते हैं, यानी जो आरडीपी हमने क्रिएट की है इसकी स्पीड कितनी है। तो स्पीड चेक करने के लिए हम गूगल में गए, गूगल में जाके हमने सर्च किया स्पीड टेस्ट। तो ये सारा काम हमने जो आरडीपी क्रिएट किया उस आरडीपी के अंदर जो फंक्शन है उसके अंदर हमने करना है, यानी जो आरडीपी क्रिएट हुई है उसके अंदर जो गूगल का क्रोम है उसके अंदर हमने स्पीड टेस्ट लिखना है और आईपी भी चेक करनी है, तभी जाके आप लोगों को पता चलेगा कि इसकी स्पीड कितनी है और इसका आईपी जो है वो कौन सा चल रहा है। अभी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आपको इसकी स्पीड भी नज़र आ रही होगी कि ये आरडीपी जो है ये कितनी तेज़ी से काम कर रही है, यानी आरडीपी कितनी तेज़ी से इसके अंदर जो फंक्शन है वो काम कर रहे हैं। अगर हम अपना वॉच टाइम जो है वो पूरा करना चाहते हैं तो एक आरडीपी आप लोग क्रिएट कर लें, या इस तरह की कई आरडीपी आप तैयार कर सकते हैं और फिर उसके अंदर यूट्यूब को ऑन करके आप लोग अपना जो चैनल है उसकी वीडियो यहाँ पर आप लोग चला सकते हैं। आपकी आईपी यानी आपका आईपी एड्रेस अगर हम पाकिस्तान में है तो जैसे अभी फाइनलैंड का आईपी एड्रेस आया तो गूगल आपको इस तरह कभी नहीं पकड़ सकेगा। तो आप पाकिस्तान में बैठकर फाइनलैंड में काम कर रहे हैं, आपका आईपी जो है वो भी चेंज हो चुका है, और इसी तरह से आप लोगों के जो आरडीपी है ये बहुत तेजी से वर्क करेगी, आपका वॉच टाइम जो है वो ड्रॉप भी नहीं होगा। मैं जो नेक्स्ट वीडियो है वो इसी के ऊपर वॉच टाइम के ऊपर बनाऊंगी। देखिए मेरी आज की वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।